सनब्लॉक लूँ या सनस्क्रीन, और अगर सनब्लॉक लूँ तो कौन सा सनब्लॉक लूँ, SPF कितना होना चाहिए, 30, 50, 60 या 100? क्या आप भी इन तमाम क्वेश्चंस में कंफ्यूज हैं कि आपके चेहरे पर कौन सा सनब्लॉक या सनस्क्रीन और कितना SPF सूट करेगा? तो अब आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आराम से बैठ जाएं और मेरी ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप भी अपना सनस्क्रीन बाकी एक्सपर्ट्स की तरह खुद चूज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिनाहिल और मैं आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, चाहे वो स्किन केयर के बारे में हो, फैशन के बारे में हो या फिर किसी भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आज आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन की एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग और फ्रेश बना सकते हैं। काफ़ी लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता है और काफ़ी लोग पता होने के बावजूद इसको इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही, टैनिंग हो गई है, बर्निंग हो गई है, जल्दी एजिंग हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रही है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है सनब्लॉक और उससे रिलेटेड तमाम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। आपको इसके बारे में जितनी भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी, इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं सारी की सारी क्लियर करके जाऊँगी और इंशाल्लाह मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए एक बेहतरीन सनब्लॉक या सनस्क्रीन का इंतखाब कर सकेंगे। तो चलिए सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि सनब्लॉक और सनस्क्रीन में क्या फर्क है। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सबके माइंड में सबसे पहले यही आता है कि लोग कोई सनब्लॉक कहता है यूज करें, कोई कहता है सनस्क्रीन यूज करें, या कईयों को पता ही नहीं होता कि सनब्लॉक कोई और चीज है या सनस्क्रीन कोई और चीज है। वो इसको एक जैसे ही समझते हैं, वो समझते हैं एक ही चीज के दो नाम है। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों एक ही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन कुछ और है, सनब्लॉक कुछ और है, दोनों अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको सनब्लॉक के बताती हूँ। सनब्लॉक जो है, जैसे कि आपको उसके नाम से पता लग रहा है कि ब्लॉक, सनब्लॉक जो है वो सूरज से आने वाली UVA और UVB रेज को टोटली ब्लॉक कर देता है। काफ़ी लोगों को इन रेज के बारे में भी नहीं पता होगा, तो जी मैं बता देती हूँ। सूरज से दो तरह की शुआएँ आती हैं, मेनली जो हम तक पहुँचती हैं वो है, एक है UVA और एक है UVB। UVB का जो काम है वो है बर्निंग करना, आपको आपकी स्किन को टैन करना, आपको रेडनेस कर देना, और UVA का जो काम है वो है आपकी स्किन की डीप लेयर में जाके आपके कोलाजन को तोड़ना। आपको पता है कि कोलाजन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप यंग रहते हैं। एज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका कोलाजन कम हो जाता है, तो तब आपके चेहरे पर रिंकल्स आते हैं। लेकिन अगर आपको प्री मेच्योर एजिंग हो रही है तो वो यकीनन सन की वजह से हो रही है, क्योंकि UVA रेज जो है वो आपके कोलाजन को डैमेज करती हैं। तो जी सनब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जो कि इन तमाम रेज को जो है वो सीधा सीधा ब्लॉक कर देती है, आगे दीवार बन के समझ लें आप खड़ा हो जाता है सनब्लॉक, और जो भी रेज़ के साथ टकराती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली जाती हैं। सनब्लॉक का टेक्सचर भी थोड़ा सा थिक होता है, जब आप इसको चेहरे पर लगाते हैं तो आपको एक बहुत नुमाया फीलिंग आती है, एक वाइटिश जो है वो टेंट सा आपके फेस पर लग जाता है, आपको ऐसे भी लगता है जैसे BB क्रीम लगाई है। कईयों को वो सूट करता है क्योंकि उनके कलर स्किन के साथ मैच हो जाता है, और काफ़ी लोगों को जो है वो इतना सूट नहीं भी करता। तो सनब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में आते हैं, जैसे कि क्रीम्स में आते हैं, ऑयल बेस्ड लोशंस में आते हैं, मिनरल बेस्ड लोशंस में आते हैं, वाटर बेस्ड लोशंस में आते हैं, इवन मिस्ट आती हैं, स्प्रेज आते हैं सनब्लॉक। तो आपको जिस फॉर्म में सूटेबल है आप उस फॉर्म में ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि जिनकी स्किन ऑयली है वो प्लीज़ ऑयल बेस्ड सनब्लॉक्स ना लें, क्योंकि उसकी वजह से उनकी स्किन के ऊपर एक तय जम जाएगी, जो जिसकी वजह से उनको ज़्यादा एक्ने हो सकती है। ऑयली स्किन वैसे भी प्रोन होती है एक्ने के लिए, तो आपने ऑयल बेस्ड नहीं लेना, आप वाटर बेस्ड ले सकते हैं, मिनरल बेस्ड ले सकते हैं, या आप स्प्रेज ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, कुछ रेज को अपने अंदर से गुजार देता है, कुछ रेज को जो है वो ब्लॉक कर देता है, कुछ रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। सन ब्लॉक्स जो हैं वो फिजिकल बैरियर बनाते हैं, और सनस्क्रीन जो है वो एक केमिकल बैरियर बनाती हैं।
सनस्क्रीन्स जो होती हैं वो यूवी ए और यूवी बी दोनों तरह की रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन जो कि जो फ़ायदेमंद रेज हैं जैसे कि जो हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती हैं उनको ये अपने अंदर से गुजार देता है ताकि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो और हमारा जो सोलर इनटेक है विटामिन डी का वो पूरा रहे। सनस्क्रीन्स जो हैं वो बेसिकली ज़्यादा स्पेसिफिक हैं यूवी ए रेज के बारे में, यानी कि इनका एंटी एजिंग जो इनकी प्रॉपर्टी है वो बहुत हाई है। टैनिंग आपको थोड़ी बहुत फिर भी सनस्क्रीन के साथ हो सकती है, यानी कि यूवी बी रेज के बारे में ये इतने स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यूवी ए रेज को तो टोटली ये जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको आपकी स्किन में पास नहीं होने देते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें या सन ब्लॉक्स का, तो इसका जवाब मैं जो भी मुझसे पूछता हूँ मैं उसको यही देती हूँ कि आप देख लें कि आप अपनी स्किन को पहले किस चीज़ से बचाना चाहती हैं, उस चीज़ के हिसाब से फिर जो है या आप सन ब्लॉक यूज़ करें या सनस्क्रीन यूज़ करें। यंग जो होते हैं, जैसे कि यंग लड़कियाँ होती हैं, वो चाह रही होती हैं कि हमारा कलर ख़राब ना हो, हम डेली बेसिस पे जो है वो कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं या जॉब करती हैं तो हमारा कलर ख़राब ना हो, और वैसे भी उनमें कॉलेजन इतना होता है कि वो उनकी इतनी जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग नहीं होती। प्रीमेच्योर एजिंग भी आपकी 40s के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन जो थोड़ी एज्ड वुमेन है हमारी सोसाइटी की, मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें एज़ कम्पेयर टू सन ब्लॉक्स। अब तो मार्केट में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी आती हैं जो कि क्लेम करती हैं कि हम एज अ सन ब्लॉक भी फंक्शन करते हैं और एज अ सनस्क्रीन भी फंक्शन करते हैं, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सन ब्लॉक्स यूज़ करें, क्योंकि उन वो फिजिकल एजेंट्स के साथ बने होते हैं, उनमें एज सच इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती आपकी स्किन के अंदर एज़ कम्पेयर टू सनस्क्रीन्स, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं तो वो आपकी स्किन के अंदर तक जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप प्रोन टू एलर्जी हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सनस्क्रीन का यूज़ ना करें, सन ब्लॉक्स का यूज़ करें। ये तो जी डिसाइड हो गया कि सन ब्लॉक यूज़ करना है या सनस्क्रीन, लेकिन जो बात रह गई वो ये है कि कौन सा SPF यूज़ करें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को ये नहीं पता कि उनकी स्किन टाइप पे SPF कौन सा जाएगा। तो आज आपकी ये वाली कन्फ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। SPF का मतलब होता है जी सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसकी वैल्यूज में तो देखने में आपको काफ़ी फर्क लगेगा कि एक तरफ SPF 15 है, एक तरफ SPF 30, 50, 70, 60 एंड 100। देखने में आपको वैल्यूज में काफ़ी फर्क लगेगा, लेकिन मैं आज आपको इसके बारे में एक सच्चाई बताऊंगी, और वो है कि इनकी वैल्यूज में जितना मर्जी फर्क कर लें, लेकिन इनके फंक्शन में कोई खास फर्क नहीं है। फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा फ़र्क है कि मतलब इग्नोरेबल है। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि हम SPF 100 यूज़ करें या 50 यूज़ करें तो हमारा जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी अगर एज़ कम्पेयर टू हम SPF 15 यूज़ करें। तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि SPF जो है वो हमें UVA से प्रोटेक्शन नहीं देता। SPF हम जितना मर्जी बढ़ा लें वो सिर्फ हमें UVB से प्रोटेक्शन देता है, और SPF 15 जो है वो हमें 93% UVB से प्रोटेक्शन देता है, जबकि SPF 30 97% देता है। तो इनकी वैल्यू में देखने में 15 और 30 में 50-50 का फ़र्क है, लेकिन इनकी जो परसेंटेजेस हैं जिससे ये हमें अफेक्ट देते हैं, यूवीबी से प्रोटेक्शन देते हैं, उनका फ़र्क सिर्फ 4% है। और अगर हम SPF 50 की बात करें तो वो हमें यूवीबी से सिर्फ 98% जो है वो प्रोटेक्शन देता है, जो कि SPF 30 से सिर्फ 2% ज़्यादा है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो SPF एक ऐसा फैक्टर है, मतलब अगर आपकी स्किन की टेंडेंसी है कि वो धूप में जाने के बाद 10 मिनट बाद टैन होना स्टार्ट हो जाती है या बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपने SPF 15 का सनब्लॉक लगाया है तो उस 10 मिनट को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो गया 150। तो वो जो आपकी स्किन 10 मिनट में जलना या ब्लैक होना स्टार्ट होती थी, वो 150 मिनट्स के बाद टैन होना या बर्न होना स्टार्ट होगी। तो जी बात बस इतनी सी है कि ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो कि आपके सन रिएक्शन अगेंस्ट योर स्किन को सिर्फ प्रोलॉन्ग करता है, इसका इसकी प्रोटेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप SPF 30 का सनब्लॉक लगाते हैं और बहुत ही माइनर क्वांटिटी में आप लगाते हैं, तो वो इसी तरह है कि जिस तरह आपने SPF 15 का सनब्लॉक लगाया है, ठीक है। अगर आपको सनब्लॉक लगाना है तो अच्छी तरह उसको अपने जिस एरिया पे लगाना है उसको कवर करना है, वरना उसकी जो है वो SPF वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
तो जी अब बारी आती है कि आपने सनब्लॉक किस टाइम लगाना है, कितने SPF का लगाना है। तो ये मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपने हर में सनब्लॉक लगाना है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ गर्मियों में सनब्लॉक लगाते हैं, सर्दियों में नहीं लगाते। सर्दियों में भी हमें उतनी ही सन रेज मिलती हैं जितनी की गर्मियों में मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने सबसे पहली बात तो होगी कि आपने हर मौसम में सनब्लॉक लगाना है, सिर्फ गर्मियों में नहीं लगाना। दूसरी बात ये होगी कि दिन को लगाएं कि रात को लगाएं, तो उसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ कि अब जितना कि हमारा मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है, लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा है, टीवी हम ज़्यादा देखते हैं, हमारे घर में LED बल्ब्स हैं, LED लाइट्स हैं जिनके अंदर से भी UV रेज ट्रांसमिट होती हैं, तो आपने सनब्लॉक रात में भी लगाना है। जिस दिन आपने घर से बाहर जाना है, या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के हैं, जॉब करते हैं, या इवन आप कहीं भी आते जाते हैं, घर से बाहर जाना है, मार्केट जाना है, तो आपने घर से निकलने से 15 मिनट पहले सनब्लॉक लगाना है, ठीक है। और ये सबको बात पता है कि सनब्लॉक की इफ़ेक्टिवनेस सिर्फ 2 घंटे तक रहती है, 2 घंटे बाद आपको दोबारा लगाना होता है। लेकिन अगर आपका बाहर का स्टे ज़्यादा है, यानी कि जैसे आप यूनिवर्सिटी गई हैं तो आपने सुबह जाना है तो अक्सर शाम को आती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा SPF वाला सनब्लॉक लें। SPF 30 वैसे जो है एक बहुत अच्छा SPF है, जो अक्सर लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप SPF 30 ले लें, लेकिन फिर भी आपको वो भी हर 3 से 4 घंटे बाद जो है आपको रिफ्रेश करना ही पड़ता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप बाहर जाएँ तो आपके पास आपके बैग में सनब्लॉक मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, और वो ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो स्किन की हो, मेकअप की हो, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, हम उसकी एक्सपायरी तो देख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितने अरसे तक वो इसी तरह इफेक्टिव रहेगा जितना ये अभी नया नया है, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आपने कैसे चेक करना है। तो जी एक्सपायरी तो आपको पता है कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीद लें उसके ऊपर 3 साल 5 साल 6 साल काफ़ी ज़्यादा लंबी एक्सपायरी होती है, लेकिन अगर वो 1-2 साल भी पड़ा रहे तो उसके बाद हम उसको यूज़ करें तो हमें उसके वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते जैसे कि हमें उसको जब वो नया आया होता था, हमें उसके इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि जो आपको अपनी प्रोडक्ट की बॉटल पे ऐसे एक कंटेनर नज़र आता है और उसके अंदर 2M 3M 6M कुछ लिखा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जब ये पोर्टल ओपन आप कर लेंगे तो 2M का मतलब है कि 2 months, M represents for months, ठीक है, 6M है तो 6 months। तो जब आप बोतल अपनी ओपन कर लेंगे तो उसके इतने M's बाद जो कि उसमें मेंशन होता है कि ये इतना ही इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, और उस टाइम पीरियड के बाद वो अपनी इफेक्टिवनेस को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने कोशिश करनी कि जब आप कोई चीज़ लाएं उसके ऊपर जितने मंथ्स मेंशन हो आप उसी चीज़ को उन्हीं मंथ्स के अंदर अंदर यूटिलाइज कर लें। अब बात कर लेते हैं कि एक अच्छा सनस्क्रीन या सनब्लॉक जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो नंबर 1, वो नॉन कमेडोजेनिक होना चाहिए, यानी कि वो आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स वगैरह प्रोड्यूस ना करें। नंबर 2, नॉन ग्रीसी होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और अगर आप ग्रीसी सनब्लॉक या सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो वो और ज़्यादा आपकी स्किन को ऑयली कर देगा, जो कि आपके लिए एक अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और नंबर 3, हाइपोएलर्जेनिक होना चाहिए, यानी कि एलर्जी कॉज ना करें, बिल्कुल उसका फॉर्मूला जो है वो माइल्ड होना चाहिए। नंबर 4, कॉस्मेटिकली एलिगेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आपने लगाया है तो वो प्रोमिनेंट ना हो या वो वाइटिश टिंट ना छोड़े। नंबर 5, इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा बार लगता है, ठीक है। नंबर 6 जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जो कि UVA को भी कवर करे, UVB को भी कवर करे, और SPF भी जो है वो आपके हिसाब से होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है मेरी रिकमेंडेशंस। मैंने बहुत सारे सनब्लॉक्स यूज़ किए हैं लेकिन मुझे बहुत कम ही पसंद आए हैं। जैसा कि जेन फार्म का सनब्लॉक है, बहुत अच्छा है, इनकी मैक्स स्टिफ भी आती है, वो भी बहुत फेमस है। इसके अलावा स्टेफल का सनब्लॉक अच्छा है, GSK के सनब्लॉक्स अच्छे हैं, मिनिसो का सनब्लॉक जो है वो माइल्ड है, बहुत माइल्ड है। और इसके अलावा मैं न्यूब्राला के नाम से एक सनस्क्रीन है वो यूज़ कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। इसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि एज यू नो सनस्क्रीन है तो UVB की इतनी प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे बाहर आना जाना होता है तो मुझे टैनिंग का इशू है थोड़ा सा, तो इसीलिए ये मुझे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आप सनब्लॉक्स यूज़ करें, स्टेफल का, जेन फार्म का, वो बहुत अच्छे हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किया, उनका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था।
तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे भी अवेलेबल हूं ऑल टाइम। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब लोगों तक जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। I'll catch you guys in the next video. Till then, keep watching, keep loving, and stay tuned.